हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें चैप्टर का नाम शियर स्ट्रेस इन बीम्स, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि जो टी सेक्शन होता है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तथा फ्लैंज और वेब के बीच में जो हमारा शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं वो कैसे निकालते हैं। इससे पहले भी फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम वीडियो डाल चुके हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से, उसमें आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए वहां से भी पहुंच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन। जैसा लिखा है टी शेप्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम शो इन फिगर, एक टी शेप से उसको एक डायग्राम कहां दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया है। सब्जेक्टेड टू वर्टिकल शियर स्ट्रेस फोर्स, एक शियर फोर्स लग रहा है कितना 100 किलोन्यूटन। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ड्रॉ द शियर स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर शियर स्ट्रेस निकालना है तथा उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस से जो आई दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 113.4 * 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स गिवन डाटा लिखा, देखो शियर फोर्स दिया 100 किलोमीटर, इस किलो न्यूटन को न्यूटन चेंज कर लेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया कितना 113.4 * 10 की पावर 6, तो उसको आई से डिनोटेट करते हैं, ये पूरी वैल्यू लिखी। अब हम जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस की जो फॉर्मूला होता है कॉमन, वो होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू ए बाई वार अपॉन आई इंटू वी, जहां एफ क्या होता है शियर फोर्स, ए क्या होता है जिस सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस निकाला उसका एरिया, उसकी सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी होती है उसकी विड्थ। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसके कैसे निकाल, सबसे पहले समझना जो अपर डिस्टेंस अपर लेयर होती है उस पर शियर स्ट्रेस कैसा रहता है, जीरो रहता है, जो अपर लेयर होगी उस पर शियर स्ट्रेस जीरो होगा। हम जंक्शन पे निकालेंगे, कौन सी जंक्शन पे, इस पे जो क्या होता है इस जंक्शन पे निकालेंगे, जो क्या फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, फ्लैंज और वेब के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे शियर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ वन, उसके बाद हम क्या करेंगे जो शियर स्ट्रेस में जो वैल्यू बढ़ेगी एकदम से वो टाउ टू निकालेंगे, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे हम क्या करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स किसके, फ्लैंज और वेव के बीच में, मतलब इस जगह हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो मान लिया वो क्या है शियर स्ट्रेस टाउ वन है एफ इंटू ए वाई आर अपॉन आई इंटू वी, है ना, इसको इक्वेशन क्या मान लिया मैंने वन मान लिया। अब इसमें f क्या होता है वेयर f इक्वल टू जो वैल्यू रहती है जो दिए गिवन में कितनी है 100 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाई बार क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, कैसा अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है, तो इसके लिए हमें बाई बार निकालना पड़ेगा। बाई बार निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले इसकी जो दोनों वेव और फ्लैंज दोनों पूरे टी सेक्शन के लिए कॉमन सीजी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, बाई वार इक्वल टू ए वन बाई वन, इसको अगर सेक्शन वन मान लें हम, इसको अगर टू मान लें, इसको वन मान लिया तो क्या हो जाएगा ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू, एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स में या पहले कहीं भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेक्शन की टी सीजी निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहां पर क्या होगा ए वन क्या होगा किसका फर्स्ट का एरिया होगा, फर्स्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो है डिस्टेंस 50 दी है उसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी है 200, क्या हो जाएगा 50 × 200 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 mm स्क्वायर। इसी तरह क्या हो जाएगा ए टू ऊपर वाले के लिए भी सेम है, देखेंगे आप 50 डिस्टेंस दिए कितनी 50 डिस्टेंस दिए और विड्थ भी कितनी 200 दिए तो इंटू 200 ए भी कैसा हो जाएगा सेम हो जाएगा 10,000 mm स्क्वायर। अब हम क्या निकालना सी जी, अब बाई वन देखेंगे इसके लिए हम जानते हैं अगर हम इसको एक्सिस यहां से हम बेस लेंगे तो वाई किसके अलाउंग बाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, अगर बाई वार के अलोंग बाई वाई के अलोंग तो यहां से बेस से लेंगे तो फर्स्ट की डिस्टेंस क्या होती है जो हाइट रहती है उसके बटे टू, तो क्या हो जाएगा जो हम बाई वन निकालेंगे डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड 200 बटे टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 mm,
इसके बाद क्या निकालेंगे, बाई टू। बाई टू फ्रेंड्स निकालने का कंसेप्ट होता है कि कहां से लेंगे, नीचे से, बेस से लेंगे, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसकी डिस्टेंस पूरी हाइट टोटल, फिर जिसका निकालना है उसके बटे टू। तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी, 50, 50 बटे टू। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 200 प्लस 50 बटे टू। इस तरह अगर इसकी वैल्यू टोटल फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी, 225 mm। अभी सारी वैल्यू पुट कर देंगे बाई बार में, तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर दो तो समथिंग कितनी आएगी, (10,000 × 100) प्लस 10,000 × कितना, 225 अपॉन 10,000 प्लस 10,000। इसकी अगर सीजी फाइंड आउट करेंगे हम कैलकुलेशन से तो बाई बार आ जाइए लगभग कितना जाए, 162.5 mm, जो समथिंग कहां आएगा इस पे अगर देखें नीचे से तो लगभग इधर आना चाहिए, जहां न्यूट्रल एक्सिस, क्या डिस्टेंस लिख देंगे फ्रेंड्स, न्यूट्रल एक्सिस कितनी डिस्टेंस आ गई यहां से यहां तक की, 162.5। ठीक है, इसे यहां पर क्या मिल गई हमें, सीजी मिल गई। अब इतनी सीजी मिल गई तो हमें ऊपर से कितनी डिस्टेंस बचेगी फ्रेंड्स, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी, जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, 250 में से अगर मैं इतना घटा दूं, 250 में से इतना घटा देंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस में से कितना बचेगा, ये कैलकुलेशन जरूरी जानना, क्योंकि इसी से हम आगे फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यू। अब ये डिस्टेंस हो गई, अब हमें कितनी डिस्टेंस और चाहिए, इतनी डिस्टेंस, कितनी फ्रेंड्स, इतनी, मतलब यहां से इस लाइन से और इस लाइन तक की, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए फ्रेंड। तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे, 87.5 में से अगर 50 घटा देंगे तो हमारी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस में से अगर इतनी घटाएंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम 87.5 में से 50 घटाएंगे तो लगभग कितनी आ जाएगी, 37.5। ये मैंने आई सेक्शन में भी कैलकुलेशन की थी, इसमें भी की, इसको कैलकुलेशन आप अच्छी तरह समझ। अब हम क्या हुआ, बाई बार निकाला, अब हम बाई बार किसके लिए निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये याद रख रहे हैं, किस पे, किसके जंक्शन पे निकाल रहे हैं, फ्लेंज और, तो मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं, ऊपर वाले के लिए सीजी निकाला है, तो ऊपर वाले के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है किसके लिए, जो हमारा सीयर स्ट्रेस वन के लिए, तो हमने जी बाई टोटल बाई बार निकाला, लेकिन इसके लिए ऐसा लिखेंगे सी जी फोर अब फ्लेंज, क्या हो जाएगा, बाई बार मैं अलग कलर से लिख दिया से आपको क्लियर हो जाए, बाई बार क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैसे निकालते फ्रेंड्स, जो न्यूट्रल एक्सिस से कहां तक की दूरी, जिस जहां से पार्ट स्टार्ट हो रहा था, मतलब यहां से न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक की दूरी हो जाएगी, प्लस जिसकी सीजी निकालना बटे टू, मतलब देखो यहां से यहां तक, कहां से न्यूट्रल एक्सिस से निकालना है हम सीजी, न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 37.5, प्लस इसका हमें सीजी निकालना किसकी, टू पार्ट की, तो उसका जो विड्थ हो, हाइट बटे टू, कितनी हाइट दी, 50, तो 37.5 प्लस 50 बटे टू, ये सीजी निकालने का तरीका है। यहाँ पर कई लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस में से क्या, ऊपर में से सीधा ये पूरा घटा देते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम कितना हो जाएगा, 37.5 प्लस 50 बटे टू। तो ये कंसेप्ट फ्रेंड समझ में आया होगा आपको कि किसी चीज की सीजी निकालना, तो जिस हमें जिस पार्ट की निकालना है उसके बटे टू, और जहां से हम ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस, मतलब कहां से ले रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से ले रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक की दूरी प्लस जिसकी निकालना है उसके बटे टू। तो ये बाई बार जो हमारी आ जाएगा, जो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा 62.5 mm। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, यहां लिख देंगे फ्रेंड्स, पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो देखते हैं tau 1 इक्वल टू क्या है, f, f की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाल कर रखी है, 100 × 10³ इंटू ए, एरिया कितना निकाला हुआ फ्रेंड्स मैंने, इसका एरिया नहीं निकाला तो निकाल देते हैं यहां पर, ए इक्वल टू फ्रेंड्स हो जाएगा किसकी निकाला है, फ्लेंज की, 200 × 50 कितना हो जाएगा, 200 × 50, तो यहां हो जाएगा 200 × 50 इक्वल टू हो जाएगा 3-4 mm स्क्वायर,
10,000 mm स्क्वायर, तो यहां वैल्यू रख लेते हैं इनटू, क्योंकि जिसकी निकाला है उसी का एरिया निकालेंगे, इनटू क्या होगा जो बाय वन निकाला कितना 62.5 अपॉन क्या होगा ए वाई बार हो गया। अब आई बी, अब आई की वैल्यू कितनी दी 113.4, 113.4 इंटू 10^6 इंटू विड्थ, विड्थ किसकी फ्रेंड, जिसकी हमें सी एस टी एस निकाला है, किसका निकाला है ऊपर वाले का, उसके बीच में, तो ऊपर वाले यहां से यहां तक कितनी दिए 200 निकाल लिया। अब इसकी अगर कैलकुलेटर से हम वैल्यू जो फाइंड आउट करें वो आएगी लगभग 2.76 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये फ्रेंड्स जो हमारी वैल्यू आ गई किसकी, टाउ वन की। यहां से फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आ गई दिख रही होगी आपको टाउ वन की, हम एक बार और लिख देते हैं, टाउ वन इक्वल टू 2.76 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली फ्रेंड्स। तो ये बहुत इजी, अगर ए टाउ वन निकाल लिया आप आसानी से टाउ टू निकालेंगे। कैसे निकालता हूं मैं बताता हूं, सबसे पहले इसका वैल्यू बता दूं मैं, ये वैल्यू कहां जाएगी क्योंकि यहां जीरो थी, तो यहां से जीरो था तो आगे बढ़ेगा, तो इस तरह बढ़ता है ये वैल्यू, इस तरह आएगा यहां से डॉट डॉट जाएगा। अब जो मैक्सिमम एकदम तेजी से बढ़ता है टाउ टू, उस टाउ टू को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है किसके बीच में, शियर स्ट्रेस और विड्थ के बीच में, क्या होता है टाउ वन अपॉन टाउ टू इक्वल टू बी टू अपॉन बी, मतलब ये कहता है कि जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विड्थ के, मतलब यहां पर शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो विड्थ कम होगी और विड्थ बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस कम होगा, इस तरह एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए यहां पर, टाउ टू चाहिए, मतलब शियर स्ट्रेस सेकेंड के लिए चाहिए, तो इसको अगर ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां टाउ वन इंटू बी वन अपॉन बी टू। फ्रेंड देख रहे हैं कैसे आया, टाउ टू निकालना, टाउ टू इधर पहुंच जाएगा, टाउ टू इक्वल ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने टाउ टू की वैल्यू निकाली। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, टाउ वन जो मैं निकाल चुका हूं कितना है 2.76 इंटू बी वन कितना है फ्रेंड्स, विड्थ देख रहे हैं कितना है 200 किसका सेक्शन वन का, फिर इसके बाद इसकी डिस्टेंस कितनी है 50 जो क्या वेव के लिए, क्या हो जाएगा 200 अपॉन 50। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा बी वन कौन सा हो गया इसकी विड्थ और बी टू क्या होगा जो वेव की विड्थ है, कितनी है 50। अब इसकी अगर फाइंड आउट करेंगे इसको कैलकुलेशन करें तो आएगा 11.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये जे टू आ गया फ्रेंड्स, अब जे टू आ गया तो इसको ड्रॉ करते हैं हम, यहां पर देख रहे हैं आप इसको ड्रॉ करेंगे तो लगभग मान लिया मैंने कि यहां इसकी वैल्यू यहां यहां पर कितनी आ गई है, यहां पर कितनी आ गई 11.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो उसको निकालना है टाउ मैक्स। तो फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कहां होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हम वन को वेव को भी कंसिडर करेंगे और टू, एक सेक्शन दो सेक्शन दोनों लेके चलेंगे तब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलेगा। तो उसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला कॉमन होता सभी के लिए, वो होता है टाउ मैक्स इक्वल टू एफ इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू दो सेक्शन है तो यहां पर क्या हो जाएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू, ठीक है ए वाई वार को क्या कर लिया मैंने दो सेक्शन किया अलग अलग, इसको डिवाइड कर दिया दो सेक्शन में ए वन वाई वन ए टू वाई टू, क्या हो जाएगा आई बी। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम, वेयर सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एफ इक्वल टू जो हमारा था कितना था एफ इक्वल टू फ्रेंड्स जो गिवन था कितना 100 × 10^3, इसको रख लेते हैं 100 × 10^3 न्यूटन। दूसरा क्या है फ्रेंड्स ए वन, ए वन किसके लिए, वन के लिए है, देखेंगे ए वन वन के लिए कितना होगा 200 × 50 हो जाएगा 200 × 50 इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 10,000
एमएम स्क्वायर। इसके बाद ए टू निकालेंगे फ्रेंड्स, ए टू किसके लिए, सेक्शन टू के लिए, तो कितना हो जाएगा, सेक्शन टू के लिए देख लेते फ्रेंड्स, कहां से न्यूट्रल एक्सिस से निकालना हमें सेक्शन टू के लिए, तो देख लेते फ्रेंड्स कहां से निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे कितनी है, लगाओ 37.5, और इसकी विड्थ कितनी है फ्रेंड्स, वो 50 दी है, मतलब इसका एरिया निकालना ए सेक्शन का इतना, तो यहां से यहां तक की दूरी 37.5, और यहां से यहां तक की विड्थ कितनी है 50, तो रख लेते हैं फ्रेंड्स 37.5 इंटू 50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग आना चाहिए फ्रेंड्स 1875 mm स्क्वायर। अगर कोई मिस्टेक हो जाती कैलकुलेशन तो फ्रेंड्स आप सही कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर हमारी सही हो। अब हमें निकालना क्या, वाई वन, वाई वन इक्वल टू क्या होगा, जो फर्स्ट है उसकी सीजी, जो फर्स्ट सेक्शन, ये जो सेक्शन है फ्लेंज वाला ऊपर वाला, उसकी सीजी, उसकी सीजी कितनी निकाली फ्रेंड्स मैंने, कितनी देख रहेंगे आप, कहां पर निकाली फ्रेंड्स, जी यहां पर निकाली है, कितनी है 62.5, तो इसको लिख देंगे y1 इक्वल टू 62.5 mm। अब y2 निकालेंगे फ्रेंड्स, y2 देख रहे हैं किसके लिए निकालना मुझे, तो फ्रेंड्स कितना क्या निकालना, बाई टू, बाई टू हम जानते हैं, अभी फिर से पहले न्यूमेरिकल भी समझाया था कि जहां से हमें किसके लिए निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड बेस क्या माना मैंने, न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, हमें इसके लिए निकालना था तो इसको प्लस किया, प्लस इसका बटे टू निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए, तो बेस जब ए है तो यहां से कहां की फर्स्ट, इसको टू, इसको वन माना, टू माना है मैंने, इसको वन माना, तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब बेस ए होगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जो उसकी हाइट होगी उसके बटे टू, मतलब यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 37.5, तो 37.5 बटे टू हो जाएगी, ठीक है। जब ए निकाला था तो मैंने इसको प्लस किया था, प्लस इसके बटे टू, तो हम जानते हैं जो जहां से वाई एक्सिस में क्या करते हैं, एच वाई टू सी जी लेते हैं, तो हम यहां से इस पॉइंट से यहां तक की निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, जो उसकी हाइट होगी उसके बटे टू, तो कितनी है 37.5 बटे टू हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी 18.75 mm। अब फ्रेंड्स सारी वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन वन में, लेकिन आई इज इक्वल टू हम जानते हैं ऑलरेडी गिवन है, वो उसको भी लिख देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए, 113.4 × 10^6, और बी क्या है, विड्थ है किसकी, जिसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, इसके लिए, न्यूट्रल एक्सिस कहां है, यहां पर है, हम यहां से इस डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, इधर को चलेंगे, मतलब यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, याद रखें जिसके लिए निकालना है, जहां पर निकालना है वहां वहां की विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ फ्रेंड्स 50 mm। अब इसकी वैल्यू कर दें, ऑल द वैल्यू पुट इक्वेशन टू में, ठीक फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन क्या माना था मैं, टू मान लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं कैसे निकलता है, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या निकालना, एफ, एफ इक्वल टू कितना है 100 × 10^3 इंटू क्या, ए वन, ए वन कितना है 10,000 इंटू क्या हो जाएगा, वाई वन 62.5 प्लस ए टू कितना है 1875 इंटू क्या हो जाएगा, वाई टू कितना है 18.75। ये वैल्यू पुट कर ली फ्रेंड्स। अब इसके अलावा नीचे क्या है, आई, आई कितना है 113.4 × 10^6 इंटू बी, बी कितना है 50। ये सारी वैल्यू पुट कर ली फ्रेंड्स, तो हमारा टाउ मैक्स इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 11.64 न्यूटन पर एम। आप भी फ्रेंड्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपका भी जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ये जो वैल्यू निकाल ली मैंने फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मैक्सिमम सीरीज टेस्ट कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
कहां पर दिखाएंगे, यहां पर। तो यहां पर फ्रेंड्स ऐसा हो जाएगा, ये जो टाउ मैक्स है यहां पर, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आई, टाउ मैक्स की वैल्यू आई 11.64 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहां से इस तरह क्या करेंगे, इसको यहां से ले जाएंगे ऐसा, इस तरह यहां पर पूरा ये मिला देंगे, यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको हम फ्रेंड्स हैचिंग जरूर करेंगे, यहां से ऐसा कर दें, जहां से भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको ऐसा हैचिंग कर दें। तो इस तरह फ्रेंड्स हम सारी वैल्यू निकालते हैं, यहां पर क्या निकाला था टाउ वन, यहां पर टाउ टू हो गया, यहां पर टाउ मैक्स हो गया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।